सांधा टैकल पॉइंट हरियाणा, फिर पूजा रेड पर है और चंद ही मिनटों में हमारे बीच में होंगे आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी यादव, कैबिनेट मंत्री हरियाणा प्रदेश, चंद ही मिनटों में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। नहली पे दैला सांधा टैकल पॉइंट झारखंड, यह है माननी जानी हिंदुस्तान की खिलाड़ी है प्रियंका पिलानिया, भीम अवार्डी खिलाड़ी है, भारत हरियाणा सरकार ने इसको भीम अवार्ड से सम्मानित किया बेटी को, 2014 की एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी और वर्ल्ड कप जो पंजाब में उसकी भी मेडलिस्ट खिलाड़ी है प्रियंका पिलानिया। उधर राजस्थान और गुजरात के मध्य में बहुत बढ़िया 8 नंबर की जर्सी में रेनू देसवाल राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद को सुशोभित कर रही, बिल्कुल अपनी टीम के लिए एक एक अंक अर्जित करने की कोशिश कर रही है रेनू। शानदार टैकल पॉइंट झारखंड, ये झारखंड और हरियाणा का जो रनर का और विनर का डिसाइडेड मैच है। बिल्कुल टाइम आउट लिया है, गुरु के द्वारा अपने अर्जुनों को गुरु मंत्र दिया जा रहा है, आप इस तरह गलती नहीं करना, इस तरह आपने अपनी एक विशेष स्ट्रैटेजी के तहत आपने इस मैच को जीतना। फर्स्ट कॉल पंजाब वर्सेस छत्तीसगढ़, तमिलनाडु वर्सेस बांका वेस्ट बंगाल, फर्स्ट कॉल पंजाब वर्सेस छत्तीसगढ़ तमिलनाडु वर्सेस बांका, ये है अंशु मोर है 2 नंबर की जर्सी में, बहुत अच्छी यूथ गेम्स की नेशनल गेम्स की मेडलिस्ट खिलाड़ी है अंशु मोर 2 नंबर की जर्सी। चंद ही मिनटों में हमारे बीच में आज के सम्मानित अतिथि के रूप में आदरणीय ओम प्रकाश जी यादव कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं, बिल्कुल ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन अभिवादन किया जा रहा है। मुख्य मंच पर बिल्कुल आप स्थान सुनिश्चित कर लें आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी यादव कैबिनेट मंत्री हरियाणा हमारे बीच में पहुंच रहे हैं और उनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं आदरणीय करमवीर राव जी सीओ श्री कृष्णा ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल स्वागत अभिनंदन अभिवादन है आदरणीय ओम प्रकाश जी यादव मंत्री हरियाणा, तालियां से स्वागत करें मंत्री जी का, बिल्कुल सभी से मैं अनुरोध करूंगा। आदरणीय ओम प्रकाश जी यादव कैबिनेट मंत्री हरियाणा प्रदेश, और अब मैं अनुरोध करूंगा पगड़ी के द्वारा मान सम्मान एमएच और कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के पदाधिकारियों की तरफ से और श्री कृष्णा ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से मान सम्मान का जो प्रतीक है पगड़ी, वो पगड़ी से मान सम्मान हमारे बीच में पहुंचे आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी यादव मंत्री हरियाणा प्रदेश। पगड़ी से मान सम्मान किया जा रहा है, बिल्कुल
और पगड़ी से मान सम्मान किया जा रहा है AKH के पदाधिकारियों और श्री कृष्णा ग्रुप और इंस्टीट्यूशन के पदाधिकारियों के द्वारा। आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी यादव मंत्री हरियाणा हमारे बीच में। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद श्री कृष्णलाल जी पवार एवं श्री कुलदीप जी दलाल महासचिव और आदरणीय करमबीर जी सीओ श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और सुधीर जी, बिल्कुल पुष्पगुच्छ के साथ आदरणीय ओम प्रकाश जी यादव कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा का स्वागत अभिनंदन अभिवादन करेंगे। सर आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी हमारे बीच में मंचासीन और मंच के जो सामने ये भीड़ है, देखिए ये कोई पंचायती टूर्नामेंट नहीं है प्लीज, ये देखिए ये तो गलत है ना। आपसे मेरा अनुरोध है प्रार्थना मंच के सामने सर राम सिंह जी सभी को आप अपील करो इनको। सर नहीं आप बैठिए एक साइड में आइए वरना आप के लिए सीढ़ियां मान सम्मान किया। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी यादव कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा। सर अपना कीमती समय निकाल कर 69वीं सीनियर स्टेट महिला नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में समस्त प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश और साथ में इंडियन रेलवे इसमें भाग ले रही है। सर लगातार ये प्रिय प्रदेश हरियाणा और झारखंड के मध्य में ग्राउंड नंबर 2 पर मैच चला हुआ है, उधर ग्राउंड नंबर 1 पर गुजरात और राजस्थान के मध्य में मैच चला हुआ है। बहुत बढ़िया मुकाबला चलता हुआ हरियाणा किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। आदरणीय मंत्री जी आप लोगों की कार्यशैली से प्रगति के पथ पर है, चाहे शिक्षा की बात हो चाहे सुरक्षा की बात हो चाहे विज्ञान हो चाहे खेल का मैदान हो, और ये लोना ये खतरा हो सकता है हरियाणा प्रदेश को, लेकिन ये खेल है, ये खेल का मुकाबला और शिक्षा का मुकाबला होना चाहिए, ये घर घर में होना चाहिए। और मैं अब अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री करमबीर जी राव श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जो हमारे सीओ हैं वो पुष्पगुच्छ के साथ है हमारे शिक्षण संस्थान की तरफ से मान सम्मान करेंगे आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी यादव कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा। मैं अनुरोध करूंगा मैं देखिए अनुरोध करूंगा हमारे हाँ श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हमारे आदरणीय करमबीर जी सीओ हैं और आदरणीय कुलदीप दलाल जी आए। सर एक बार मंत्री जी का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत अभिनंदन अभिवादन और फिर धन्यवाद करेंगे आदरणीय करमबीर जी सीओ साहब। और ये बहुत बड़ी माला के साथ हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय ओम प्रकाश जी यादव कैबिनेट मिनिस्टर का स्वागत अभिनंदन जोरदार तालियां में दर्शक साथियों मंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। हरियाणा सरकार हमारे बीच में है और राज्यसभा सांसद एवं अध्यक्ष AKH आदरणीय कृष्णलाल जी पवार ऊर्जा एवं रेलवे के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के रूप में आदरणीय कुलदीप दलाल जी महासचिव AKH और आदरणीय प्रोफेसर वीर सिंह जी चेयरमैन
श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, कंवर सिंह जी यादव। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय क्रमवीर जी, हमारे श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सीईओ हैं, आए हुए अतिथियों का धन्यवाद करेंगे, अभिवादन करेंगे। आदरणीय क्रमवीर राव जी, सीईओ श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन महेंद्रगढ़ सर। स्वागत की कड़ी में सबसे पहले मैं आज की हमारी इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि माननीय श्री ओम प्रकाश यादव जी, मंत्री हरियाणा सरकार, और हमें पिछले दो दिन से आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे कबड्डी एसोसिएशन के प्रधान श्री कृष्णलाल पवार जी, हमारे बीच में उपस्थित भाई गहलोत जी, एसडीएम साहब, आप सबका मैं श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज जो ये प्रतियोगिता हो रही है, इस प्रतियोगिता के मुख्य कर्णधार हमारे बड़े भाई कबड्डी के महासचिव कुलदीप दलाल जी और हमारे जिला के प्रधान संजीव तवर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपकी वजह से ये नेशनल की प्रतियोगिता श्री पवार साहब के आशीर्वाद से हमें मिली है। आज के मुख्य अतिथि माननीय ओम प्रकाश जी यादव के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जब जब हमने सर को अपने विद्यालय में बुलाया है तो बड़े ही चाव से हमें आशीर्वाद देने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। बहुत ही सरल और अच्छी विचारधारा के धनी हमारे माननीय ओम प्रकाश यादव जी, मंत्री हरियाणा सरकार, और मैं तो ये कहूँगा कि सबसे सरल स्वभाव के अगर कोई मंत्री हैं इस सरकार में, जो सबसे सादगी भरे मंत्री हैं, हमारे ओम प्रकाश यादव जी हैं। सर, मैं आपका श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से इस नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही मैं यहां पर उपस्थित कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री कंवर सिंह जी यादव और श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन प्रोफेसर बीर सिंह यादव जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को इतना बड़ा रूप देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय श्री करमबीर राव जी, सीईओ श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, आयु अतिथियों का, आदरणीय मंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन। अपने शिक्षण संस्थान में आपने बिल्कुल इतना बढ़िया, जो अपने कंधों पर जिम्मेवारी ली है, बहुत बढ़िया मुकाबला चलता हुआ, एक तरफ राजस्थान और गुजरात के मध्य में, और ये हरियाणा और झारखंड के मध्य में।
बहुत बढ़िया मुकाबला चलता हुआ झारखंड और हरियाणा 23-20 बहुत बढ़िया मुकाबला। ये समस्त हिंदुस्तान की बेटी आदरणीय मंत्री जी दो दिन से लगातार 26 तक ये हमारी चैंपियनशिप और ये शानदार टैकल पॉइंट झारखंड। किसी भी क्षेत्र में ये बेटियां कम नहीं हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे विज्ञान और चाहे खेल का मैदान हो। सुतरी शान सकल की गोरी हरियाणा की नारी से हिम्मत और मेहनत में मर्दा दबाजी मारे से ममता खरब गीती का जखड़ साइना नेवाल साक्षी मलिक प्रियंका पिलानिया खेला की राजकुमारी से और कल्पना चावला शान हरियाणा की जिसने जाने दुनिया सारी से वह चांद सितारा के में जाके बस की वह हिम्मत आली नारी से या मरी धरती पावन किसान नाली से। और शानदार ट्रैकल पॉइंट बिल्कुल झारखंड भी कम नहीं है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ झारखंड ने भी बहुत अच्छे टैकल पॉइंट। धीरे धीरे स्कोर बोर्ड पर नजर गड़ाएं तो 23-22 सिर्फ एक अंक का अंतराल और ये अक्सीमा दो नंबर की जर्सी झारखंड की तरफ से बहुत अच्छी खिलाड़ी। उधर गुजरात और राजस्थान के मध्य में मुकाबला चलता बहुत कुछ बोलता है, रनर का विनर का डिसाइडेड मैच है झारखंड और हरियाणा प्रदेश। हाँ लिख दिया, समस्त जो भी मातृशक्ति और जो दर्शक है ये मेन मेन लगती है। कोई पूछना पूछे श्री कृष्ण लाल जी कुमार अध्यक्ष ए पी ए एच एवं राज्यसभा सांसद हरियाणा। श्री कुलदीप जी दलाल महासचिव ए के ए एच हरियाणा। श्री करमवीर राव जी सी ओ श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन महेंद्रगढ़। तेजस्वी जी गहलोत अध्यक्ष राजस्थान कबड्डी संघ और कुमार विजय जी महासचिव बिहार। ये अलग है, ठीक है सर, बस काफी है ये।
यहाँ से शुरू है, यहाँ से शुरू है, नंबरिंग डाल ले चो। देखिए दोनों प्रदेशों का जो स्कोर है, लेवल लेवल है, 24-24। और हरियाणा की तरफ से प्रियंका पिलानिया भीम अवार्डी खिलाड़ी है, एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी। और ये लोना हरियाणा के ऊपर स्कोर की बात की जाए तो बिल्कुल 27 झारखंड होगा और ये 25 हरियाणा। उधर राजस्थान और गुजरात का भी बहुत बढ़िया, ये भी साक्षी पुनिया है, अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी है, राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद को सुशोभित कर रही है। ये झारखंड की तरफ से अक्षिमा बोनस बॉय। फिर है पूजा, बड़ी मानी जानी हरियाणा प्रदेश की खिलाड़ी है, पूजा हथवाड़ा जिला जींद। बिल्कुल टच पॉइंट, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता जो भी टीम जीतेगी कम अंकों के मार्जिन से, 2 अंक के साथ, फिर झारखंड की टीम 2। स्कोर बोर्ड पर नजर गड़ाएं तो 38-26, 4 अंकों का अंतराल। और ये स्कोर 31-26 हुआ। इस मैच को देखकर भाई सभी की धड़कनें तेज हैं। कोई हार्ट पेशेंट का मरीज है तो भाई अपनी जीभ के नीचे कोई छोटी सी गोली जरूर रख लेगा, कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। बहुत रोमांचकारी ये मैच चला हुआ है, बिल्कुल वो देखे भी नहीं इस मैच को मैं, क्योंकि बहुत कंपटीशन का ये मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है। टाइम आउट लिया है झारखंड के कोच के द्वारा। यह है एमएचओ कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश का प्लेटफॉर्म, आदरणीय किशन लाल जी पवार, राज्यसभा सांसद एवं अध्यक्ष, ऊर्जा एवं रेलवे के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के रूप में, जिन्होंने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लगातार, आदरणीय मंत्री महोदय जी, ये सीनियर नेशनल करवाना हरियाणा प्रदेश के लिए मैं सैल्यूट करता हूं। सभी हमारे एकेएच के पदाधिकारियों ने बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को दिया, सभी एकेएच के पदाधिकारी आदरणीय कृष्णलाल जी पवार, वाइस प्रेसिडेंट धर्मवीर जी मलिक, महासचिव आदरणीय श्री कुलदीप दलाल जी, इनकी अथक प्रयास मेहनत का ही परिणाम है लगातार तीसरी हमारी सीनियर नेशनल आपके बीच में। बिल्कुल बहुत बढ़िया, 31-27 का स्कोर है, 4 अंकों के अंतराल से झारखंड आगे आगे और मेजबान प्रदेश हरियाणा उसके बिल्कुल पीछे पीछे। लेकिन एक रेड भी सारे मैच की तस्वीर बदल सकती है। आपने प्रो कबड्डी में देखा होगा लोबी ने बड़ा करिश्मा दिखाया, 8-8 पॉइंट रवि आजाद बक्स ने लिए। बिल्कुल दोनों प्रदेशों के खिलाड़ी के लिए 1-1 पॉइंट। और यह हरियाणा प्रदेश की हौसला अफजाई, तालियां और प्यार की किलकारियां, ये बिल्कुल हमारी अपनी पहचान, अतिथि देवो भव। और ये पूजा हथवाड़ा जिला जींद,
बहुत बढ़िया मुकाबला चलता हुआ। ये 6 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी मंत्री जी, हरियाणा सरकार ने इस बेटी को भीम अवार्ड से सम्मानित करने का काम किया है। 2014 की एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट है प्रियंका, गांव आदमपुर लाडी, जिला चरखी दादरी। बहुत बढ़िया मुकाबला दोनों प्रदेशों के, उधर बहुत बढ़िया मुकाबला राजस्थान और गुजरात के मध्य में। फिर शानदार टैकल पॉइंट झारखंड के द्वारा। यह बहुत बड़ा लॉस है हरियाणा प्रदेश को। यहां पर मेन रेडर कोरट से बाहर होना बहुत अच्छे संकेत नहीं है। 5-1 के बीच में मुकाबला है। और ये शानदार प्रियंका के द्वारा डैश किया पॉइंट हरियाणा प्रदेश को। स्कोर बोर्ड पर नजर गड़ाएं तो झारखंड 33 हरियाणा 30, 3 अंकों के अंतराल से झारखंड आगे आगे और हरियाणा पीछे पीछे। और यदि समय पर नजर गड़ाएं तो इस मैच की खेलने की अंतिम 4 मिनट का इशारा। और ये शानदार टैकल पॉइंट है 5 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी। यहां बहुत लाभ हो सकता है हरियाणा प्रदेश को, क्योंकि मेन रेडर पूजा हथवाड़ा कोर्ट में पहुंच चुकी है और सब्स्टिट्यूट किया है खिलाड़ी का। बिल्कुल यहां पर खिलाड़ियों की अदला बदली, खिलाड़ी गुरुमंत्र एक विशेष स्ट्रैटेजी के तहत अपने खिलाड़ियों को दिशा निर्देश देते हैं। अंतिम क्षणों में आपने यदि समय पर नजर गड़ाई तो 4 मिनट के से कम का विशेष समय है और यदि स्कोर बोर्ड पर नजर गड़ाई तो 33-31 है। लेकिन नेशनल कबड्डी में कोई 3, 4, 10, 8, 7 अंकों तक भी कोई ज्यादा नहीं होती। एक रेड सारे मैच की तस्वीर बदल सकती है। पूजा हथवाड़ा जोरदार तालियां। दर्शक साथियों, ये इतना संघर्षपूर्ण मैच लगा हुआ, कोई टीम जीतो, झारखंड जीतो चाहे हरियाणा, दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो एक बार। ये है हमारी हरियाणा की पहचान, अतिथि देवो भव। और अंतिम 3 मिनट बाकी हैं इस मैच की। जैसे ही सारा कोच साहब की अंगुलियां बता रही हैं, सकोट पर नजर गड़ाए और ये आए हाय, ये है कबड्डी सुपर टैकल। 1 शिकार 2 उपहार। फिर स्कोर 33-32, 1 अंक के अंतर से झारखंड आगे आगे। और रेड पर है अक्षिमा, 2 नंबर की जर्सी खिलाड़ी, बहुत अच्छी खिलाड़ी अक्षिमा, मकड़ोली जिला रोहतक, झारखंड की तरफ से। बिल्कुल बहुत अच्छी खिलाड़ी। समय सेकंड का हिस्सा भी बिल्कुल हमारी 30 सेकंड बता रही है। 3 सेक और ये बहुत बड़ा, फिर झारखंड के पक्ष में एक और पॉइंट, 36 यानी के 32, 4 अंकों के अंतर से
मेहमान प्रदेश झारखंड आगे आगे और मेजबान प्रदेश हरियाणा उसके पीछे पीछे। ये रनर का और विनर का डिसाइडेड मैच है हरियाणा और झारखंड का। शानदार टैकल पॉइंट हरियाणा प्रदेश, स्कोर हुआ 33-36, 3 अंकों का अंतराल। बलवान सिंह जी द्रोणाचार्य अवार्डी कोच है, गुरु मंत्र दे रहे हैं अपने बच्चों को, बिल्कुल बड़े अच्छे अर्जुन तैयार किए हैं। और ये पूजा फिर स्कोर 34-36, पूजा हरियाणा प्रदेश की, हिंदुस्तान की वो बेटी अंतिम क्षणों तक अपने टीम के लिए लड़ाई लड़ेगी। और ये झारखंड की तरफ से 10 नंबर की जर्सी की खिलाड़ी, बहुत संघर्षपूर्ण और रोमांचकारी मैच। महेंद्रगढ़ की इस पावन धरा पर श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इस प्रांगण में एमएच और कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के द्वारा आयोजित पूजा हथवाड़ा। और बिल्कुल यदि फिर स्कोर हुआ 35-36, 1 अंक के अंतर से झारखंड आगे और हरियाणा उसके पीछे। बिल्कुल सेकंड और देखिए 1 अंक के अंतराल से झारखंड ने इस चैंपियनशिप के इस मैच को जीत लिया है। इसी तरह ये है हमारे लास्ट एंड फाइनल पंजाब वर्सेस छत्तीसगढ़, तमिलनाडु वर्सेस बांका। और देखिए मंच के सामने से सभी साथियों से मैं अनुरोध करूंगा अपना